Greetings students, I am Monica, your science teacher. Today we will read our next topic of chapter number 6, Animals, Habitat and Adaptation. Now our today topic is deserts. Deserts से तो आप लोग सभी ने कई बच्चों ने तो विजिट भी किया होगा. विजिट नहीं किया होगा तो आपने श्योर आपने अपने कार्टून्स में या मूवीज़ में जो है डेजर्ट देखा होगा और वहाँ पर देखा भी होगा कौन से एनिमल्स रहते हैं. सो डेजर्ट में जो है डेजर्ट का जो क्लाइमेट है आपका द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ वेरी ड्राई एंड हॉट. आपको पता ही है डेजर्ट का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, हॉट होता है, गर्म होता है. वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता तो बहुत जो है लिटिल वेजिटेशन होता है. वहाँ पर बहुत कम जो है पेड़ ग्रो करते हैं, आपके ट्रीज ग्रो करते हैं. डेजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, बहुत कम या फिर बिल्कुल ही नहीं बारिश होती. कई ऐसे साल भी होते हैं जहाँ पर बारिश ही नहीं होती. सो सम एनिमल्स डेट लिव इन डेजर्ट्स आर, कुछ एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर जैसे कि इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, कैमल्स हैं, रेटल स्नेक है, स्मॉलर एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स, ये वहाँ पर जो है सर्वाइव कर जाते हैं. स्मॉल एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. वे लोग जो हैं दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सन रेज प्रेजेंट होती हैं, तो क्या करते हैं ये एनिमल्स, ये जो है अपने बिल वगैरह जो होल्स इन्होंने बना रखे होते हैं, जो भी इन्होंने अपना हाउस एज अ शेल्टर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो हैं वो चले जाते हैं और सो जाते हैं. रात के टाइम में ये जो हैं एक्टिव होते हैं और बाहर निकलते हैं अपने फूड के लिए, फूड को सर्च करने के लिए. दिस इज़ जस्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. ये ऐसा इसलिए क्यों करते हैं ये, ताकि उनकी बॉडी से कम जो है वाटर जो है लॉस हो. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स. पोलर रीजन्स और माउंटेन्स में जो है आपने ये जो है आपका आइस होती है यहाँ पर मोस्टली, जो है ये ठंडा जो है एरिया होता है आपका यहाँ पर. सो पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड, ये जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं और कवर्ड होते हैं स्नो थ्रू आउट द ईयर. मोस्टली जो है पूरा साल वहाँ पर जो है आपकी स्नो से ही ये जो है कवर रहता है. बहुत कम ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वहाँ से स्नो ख़त्म होता है, नहीं तो पूरा साल ही जो है वहाँ पर स्नो रहता है, आइस रहता है. एनिमल्स जो है ऐसे हैबिटेट में जो रहते हैं वो क्या सर्वाइव करते हैं, थिक कॉट फर होता है उनके ऊपर ना, तो उनकी जो है स्किन की जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जो है थिक होती है वहाँ पर. दिस हेल्प्स इन कीपिंग देम वार्म ड्यूरिंग वेरी कोल्ड विंटर. तो ज़्यादा कितनी ही ठंड हो वो उनकी बॉडी को जो फर इतना जो थिक प्रेजेंट है उनकी बॉडी के ऊपर वो जो है आपको उनकी बॉडी को जो है बिल्कुल गर्म रखता है. एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स है, सील है, वॉलरस है एक्सेट्रा आर फाउंड इन दीज रीजन्स. ये सभी जो हैं इस रीजन के अंदर हमें मिलते हैं. और आपने देखा भी होगा जो हम जैकेट्स वगैरह जो वियर करते हैं विंटर्स के अंदर कितनी गर्म वो रहती हैं, तो वो जो फर है इन्हीं एनिमल्स के जैसे शीप वगैरह होती है, गोट होती है, इनके हेयर्स को रिमूव करके जो है हम लोग जो है अपनी वुलन स्वेटर्स वगैरह प्रिपेयर कर होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में. सो तो इन्हीं की स्किन को समर्स में हम जो है रिमूव कर लेते हैं. जैसे हम लोग अपने हेयर्स को कट कराते हैं ना, तो इनके हेयर्स भी कट हो जाते हैं, इनसे इनको पेन नहीं होता है और उन हेयर्स से जो है हम अपने वुलन वगैरह जो है स्वेटर्स वगैरह बना सकते हैं. सो इस तरीके से हम इनके हेयर्स को भी यूज़ कर लेते हैं और विंटर्स तक इनके हेयर्स वापस आ जाते हैं और फिर ये इजीली जो है विंटर में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक कवरिंग होती है फर्स की. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओशियन एंड सीज. ओशियन और सीज जो हैं बहुत लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडीज़ हमारी जो है अर्थ सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट, आपको पता है बहुत सारे हैं वहाँ पर मैराइन एनिमल्स भी प्रेजेंट है. सो ये एनिमल्स जो हैं इनको स्पेशल जो है ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फिश के पास गिल्स होते हैं. सो एनिमल्स जैसे कि फिश है, स्क्विड्स है, ऑक्टोपस है, डॉल्फिन, व्हेल्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है सी और ओशियन में ही रहते हैं. आपको पता है ये लैंड पे आएंगे तो ये मर जाएंगे. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द ओशियन और सी हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, और इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जिससे कि वाटर के अंदर इजीली आगे जो है आगे की साइड मूव कर पाते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रेश वाटर.
फ्रेश वाटर जो है, रिवर, लेक, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स फॉर्म फ्रेश वाटर हैबिटेट. फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर है, लेक है या पॉन्ड है, ये जो है इनके अंदर जो है हमारा फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है. इनमें भी जो है एनिमल्स रहते हैं. एनिमल्स जैसे कि फ़िश है, बहुत छोटी वाली फ़िश की बात कर रहे हैं हम, बड़ी वाली फ़िश की नहीं. फ़िश है, फ्रॉग है, सेलेमेंडर्स एक्सेट्रा है फ्रेश वाटर एज देयर हैबिटेट. एनिमल्स जैसे कि फ़िश है, श्रिम्स है, अडप्ट टू लिव इन वाटर. इन्होंने अडप्ट कर रखा है, वाटर के अंदर ही जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं. जबकि फ्रॉग है, सेलमेंडर्स हैं, ये जो है वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के अंदर भी रह सकते हैं. इनको हम एम्फीबियन एनिमल्स बोलते हैं. द एनिमल्स विच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर दे आर नोन एज एम्फीबियंस. तो एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स हैं हमारे पास, जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और फ्रॉग पे भी. आपने कई बार देखा होगा फ्रॉग जो है, आप एकदम से देखते होगे बारिश के टाइम पे, फ्रॉग के पीछे जब आप रन करते होगे तो एकदम से वो पानी के अंदर कूद जाता है लैंड पे से, और मरता भी नहीं है, थोड़ी देर बाद पानी से फिर से बाहर आ जाता है. सो फ्रॉग जो है हमारा, वो लैंड पे भी ब्रीथ करता है. लैंड पे वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ कर लेता है, और वाटर में जो है वो अपनी स्किन सर्फेस से जो है ब्रीथ कर लेता है. सो इस तरीके से जो है हमारा फ्रॉग है, सेलेमेंडर्स हैं, ये एम्फीबियंस हैं, ये दोनों ही जो हैं लैंड और वाटर पे रह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडप्टेशन इन एनिमल्स. एडप्टेशंस इज जो है वो चेंज है हमारा बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, फीचर्स